हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल जायका। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ बर्स्ट वड़ा पाव। आपने चीज़ बर्स्ट पिज्ज़ा तो खाया होगा, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं चीज़ बर्स्ट वड़ा पाव। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसका चीज़ सॉस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम डबल बॉइलिंग प्रोसेस से पहले चीज़ को मेल्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप चीज़ लिया है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अमूल की चीज़ ली है 1 कप। इसके अंदर हम 2 to 3 टेबलस्पून मिल्क डालेंगे। हम बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं डालेंगे, हम थोड़ा सा मिल्क डालेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क लिया है। 2 क्यूब्स बटर लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी आ गई है। इसमें कोई लम्स भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है। इसको हमें इस तरह थिक ही रखना। तो अभी हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा सेट हो जाए। तब तक के लिए हम अपना वड़ा रेडी करते हैं। यहाँ हम वड़ा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। उसके अंदर 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स राई डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। हम इसमें 8 to 10 करी लीव्स डालेंगे। करी पत्ता आप कोई कितना भी डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपने 1 कप बॉइल्ड और मैश्ड पोटैटोज़ डालेंगे। पोटैटोज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट मैं 2 पिंच सॉल्ट डाल रही हूँ, हम ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालेंगे। हमारे जिंजर गार्लिक पेस्ट में ऑलरेडी सॉल्ट था। अब हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और मिक्स करके अच्छे से। अब हम इसको एक बोल में डाल लेंगे। इसका पहले हम एक बड़ा सा बॉल बना लेंगे। फिर उसकी पैटी बना लेंगे। और अब हम हमारा जो चिल्ड हमने करने के लिए चीज़ सॉस रखा था, वो अब हम इसके सेंटर पे डालेंगे और उसको अच्छे से वापस बंद करके इसकी थिक पैटी बना लेंगे। अब ध्यान रखना आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा मेल्ट होके बाहर नहीं आ जाए, इसलिए हम इसकी थिक पैटी बनाएंगे। अब हम अपना ग्राम फ्लोर का आटा बनाएंगे। इस आटे में हम बेसन डालेंगे। हम 1 कप पूरा बेसन का आटा डालेंगे। पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है इसमें कोई लम्स नहीं रहनी चाहिए और हमें इसको बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा पतला थिन नहीं करना है। हम इसको बहुत रनी नहीं रखेंगे, हम इसको थोड़ा मीडियम थिक जैसा रखेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ है और इसमें कोई लम्स भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हम हमारी पैटी को इस फ्लोर के अंदर डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। हमें मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। इसको बहुत ज़्यादा हमें स्लो नहीं रखना है।
हम इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा वाइट या बहुत ज़्यादा डार्क इसको फ्राई नहीं करेंगे, हम इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं निकालना है इसमें, बहुत कम ऑयल में हम इसे डालेंगे। कुछ पाव लिए हैं, इसके अंदर हम पहले बटर डालेंगे, उसके बाद हम इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे। आप चाहें तो ग्रीन चटनी स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें गार्लिक चटनी डालेंगे, गार्लिक चटनी भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें अपनी आलू की पैटी रखेंगे, अपना वड़ा रखेंगे, और इसमें अनियन डालेंगे, और आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी गार्लिक चटनी या चूरा डाल सकते हैं। इसको बहुत हमें लाइटली हैंडल करना है, बहुत इसको प्रेस नहीं करना है, वरना चीज़ बहुत ज़्यादा बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि चीज़ कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और इतने अच्छी तरह से इसका चीज़ बर्स्ट हुआ है। बिल्कुल हमारा वड़ा पाव, चीज़ बर्स्ट वड़ा पाव रेडी है। इसका चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से बर्स्ट हुआ है। आप ये चीज़ बर्स्ट वड़ा पाव की रेसिपी अपने घर पर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और भी जायकेदार रेसिपीज़ के लिए आप रियल जायका को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी कोई भी टेस्टी, ईजी और क्विक रेसिपी मिस ना कर जाएँ। थैंक यू।